इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 1 तारीख को ये वाल्मीकि समाज चेतना संगठन एक बड़े मेले का आयोजन कर रहा है। इसको लेकर के इन्होंने आज मीडिया को यहाँ पर आमंत्रित किया और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है इनका उस मेले का, और भी जो चीज़ें हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो हम इनसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर PS पंवार जी हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहनी है कि हम जिस पर्पज़ से हमारे ये वाल्मीकि समाज चेतना संगठन के पदाधिकारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, हमने आके देखा कि यहाँ प्रेस ने भी हमें जो है उपेक्षित किया है। हम इस चीज़ से बड़े आघात हुए कि सभी को इनवाइट करका यहाँ पर, और इनवाइट करने के बाद कोई भी यहाँ, हमने 2-3 के सिवाय कोई यहाँ नहीं आया। इससे भी हमें बड़ी आघात हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ PM CM कोई और आते तो शायद पूरा मीडिया यहाँ इकट्ठा हो जाता और उनको बढ़ा चढ़ा के उनको दिखाता। लेकिन आज जो लास्ट पायदान पर जो ये वाल्मीकि समाज खड़ा है, उसको सुनने के लिए, उसके दर्द को सुनने के लिए, और उनकी जितनी भी उनके मन की जो आकांक्षाएं थी, बातें थी, वो आज किसी ने भी नहीं सुनी। तो इससे हम बड़े आघात हुए, क्योंकि इस तरीके से मतलब समाज में जो भेदभाव वाली कंडीशन है वो एक प्रोफेशनल लेवल पर भी दिखाई दे रही है, मीडिया चल रही है। तो इससे हमें बड़ा आघात हुआ है। सबसे बड़ी जो हमारे जो जैसे अभी हमारे मुख्य संयोजक करम सिंह कर्मा जी ने बताया कि हम अपनी प्रतिभा को, जो अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे जो अच्छे बच्चे हैं, जो IAS IPS या MBBS कर रहे हैं या IAS बन रहे हैं, उनको कोई भी उनको प्रोत्साहन नहीं करता। जैसे अब हमारे भारत केसरी बना है बिरजू पहलवान, उसको आज तक किसी ने भी जो है मीडिया वाले ने भी नहीं दिखाया और उसको किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। तो ऐसी प्रोत्साहन के लिए ये संगठन बना है और उन्हीं प्रतिभाओं को यहाँ बुलाया जा रहा है, जो बहुत हमारे कलाकार हैं, गायककार भी हैं, हमारे जो है स्पोर्ट्स के भी हैं, हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं जो 70-80% नंबर लेकर आ रहे हैं, और कई ऐसे हैं कि जो हमारे बीच के अंदर इस तरीके की बातें हैं कि हम खुद तो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं लेकिन सरकारें हमारे दर्द को महसूस नहीं कर रही। और हमारी आज तक कौम जो है वाल्मीकि समाज शांति प्रिय काम करता रहा है। अगर इनको पहले जैसे बताया कि 120 गज के प्लाट मिलते थे, फिर 80 गज के हो गए, फिर 25 गज के हो गए, अब 12.5 गज के कर दिए, तब भी शांत है। 18 साल में अभी कच्चे पड़े हैं लोग, नौकरियां नहीं मिल रही है, MCD के अंदर तनख्वाह नहीं मिल रही है सफाई कर्मचारियों को, उनको पक्का नहीं करते। ये 18 साल का तो कहीं किसी भी उसमें संविधान में भी नहीं है, किसी लॉ में नहीं है, जो कि अनऑथराइज हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। अगर इनकी इनकी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह अच्छी नहीं होगी, इनकी पेमेंट अच्छी नहीं होगी, इनको समय पर तनख्वाह नहीं मिली, तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो ये बड़ा एक विडम्बना आ रही है हमारे अंदर, और इसीलिए अब समाज थोड़ा जाग चुका है। और सभी एक हमारे कर्मा जी ने एक बहुत अच्छा ये एक पहल की है कि पूरे समाज को इस तरीके से वहाँ संगठित कर रहे हैं, और इसके पीछे भी एक आंदोलन है, उद्देश्य है, मकसद, और ये हमारा एक उद्देश्य है कि जब सभी वाल्मीकि शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद जो भी हमारी अधिकार है, हमारी मांग है, हम इस संगठन के थ्रू उनसे हम कराएंगे। सरकार से अगर नहीं मानेंगे तो फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। वो अगर हमें किस तरीके से अगर सरकारें मजबूर करती हैं वो हम बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम तो यही, हमारे बच्चे जो है एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कहते हैं कि समाज में नहीं है, लेकिन जो समाज पहले तनख्वाह अच्छी मिलती थी उनके बच्चे अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जो आज के समय में जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही, एक भी बच्चा उसमें अपने माँ बाप कैसे, उसका माँ बाप उसे पढ़ाएगा, 8-8 हज़ार में तनख्वाह उसको दे रहे हैं, वो भी ठेकेदारी, जबकि ठेकेदारी तो कहीं भी कानून के तहत अलाउड ही नहीं है। जो ये सिस्टम बना रखा है, ये बिल्कुल गलत सिस्टम है। अगर आप कानून की किताब भी उठा के देखो तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। अपने वो अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, अपने लोगों को, आज भी वाल्मीकि समाज को उन्हीं लोगों के नीचे
उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए, उन्हीं के गुलाम दोबारा से हमें बुला रखा हमारे लोगों को, तो हमें इस चीज़ की पीड़ा है। हम जब रिटायर हुए हमने देखा है कि ऑन ड्यूटी भी किस तरीके से कौन क्या अपेक्षा करते रहे हैं। हमने टेररिस्ट भी पकड़े जी। उस चीज़ के बारे में बताइए जो आपने एक पुलिस ऑफिसर रहते देखी समाज में, जो एक तब तो आप एक गवर्नमेंट में थे उस वक्त, तो तब तो एक आपका ओहदा था, उस वक्त जो चीज़ें देखी वो भी बताइए थोड़ा सा। हमने उस समय देखा कि जब भी कोई ऐसी बातें चीतें आती थी समाज के प्रति या कोई ऐसी, हम पुलिस में होते हुए हमने देखा कि कोई भी जटिल बात होती थी, कोई ऐसा केस होते थे ज़्यादा से ज़्यादा गहरे, वो हम जैसों को दिए जाते थे और हमसे पूरी उपेक्षा करते थे कि भाई ये इन केसों को ये लोग डील करें, क्योंकि ये हार्ड वर्कर हैं, ईमानदार हैं। तो जब हमने देखा कि हमारे समाज के चारों तरफ उपेक्षा हो रही है, हमने जो अपनी जान पर खेलते हुए टेररिस्ट पकड़े, पकड़ने वाले हम दो, लिस्टें बनी 18 की, 14 की, 12 की, होम मिनिस्टर के अवार्ड मेरे पास, उससे मैं 2000 रुपये अवार्ड दे दिया और प्रमोशन के लिए बोल दिया गया, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं, हम रिटायर भी हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ, रिटायर हो गए। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी कमांडर बंडल 1 का मुखिया हमने पकड़ा, जिसको पास AK-47 राइफल थी। उसके बाद JLF जम्मू एंड कश्मीर के उग्रवादी, तो इस तरीके से कई हम लोगों ने काम किया, मेहनत की, हमने पुलिस के पूरे उसके बराबर वो मेहनताना हिसाब से नहीं मिला, जो भी हमने रैंक मिला, जो भी हमें नहीं मिला, वो सब हमारी मेहनत का और हमारे अपने टेस्ट का अपने उससे मिला है। हमें एक्स्ट्रा कोई ऐसी प्रमोशन नहीं मिली, क्योंकि हमारा कोई भी पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी हमारा किसी उच्च पद पर, हमारा कोई वाल्मीकि समाज का हमारा नहीं था। अगर शायद वाल्मीकि समाज का कोई ऐसे आजकल है बच्चों का अगर इंटरव्यू होते हैं, तो हमारे समाज का कोई भी इंटरव्यू में नहीं होता, तो इसलिए एक ही पड़ जाती हैं, ले जाती हैं सारे खेल। सर एक बात कही जाती है कि आरक्षण को लेकर के, कि जो समाज के बराबर आ चुके हैं कि उन लोगों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, कि जो उसके लायक आरक्षण की जिन्हें ज़रूरत है उनको देना चाहिए, तो इस तरीके की बातों पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, हम जो शुरू से यही डिमांड हमारी सबसे पहले है कि आरक्षण उन्हीं आदमियों को दिया जाए। अब जैसे वाल्मीकि समाज बताया सबसे लास्ट पायदान पर है, जिनको जरूरत है समाज, इनको जरूरत है आरक्षण की। अभी हमने बताया कि 18 साल हो गए नौकरी उनको पक्की नहीं दी जा रही, अगर आरक्षण हम मांगते हैं कि भाई हमारे पढ़ाई में भी आरक्षण होना चाहिए, इन बच्चों की किताबों के लिए और जितना भी हमें गवर्नमेंट से या जो भी हमारे बनाए हुए कैडर हैं उनमें हमारे तक हमारे को पहुँचाया जाना चाहिए। अभी पीछे हमारे देश के माननीय जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं माननीय उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी अभी एक बयान दिया था पीछे, हाँ उन्होंने हमिद अंसारी साहब ने, उन्होंने भी कहा था कि जो ये शेड्यूल कास्ट के जो ये हमारे जो समाज के दलित बच्चे हैं टेस्ट में पास होते हैं और पास होने के बाद ये अपने गांव में चले जाते हैं, इनको चिट्ठियां तक नहीं पहुंचती, इनको नौकरियां नहीं दी जाती, उनको रिजर्व की बजाय उसको दिखा के कि भाई ये इंटरेस्टी नहीं है या ये इच्छुक नहीं है, और वो उसको फिलअप कर देते हैं दूसरी बिरादरी से, उच्च श्रेणी से, लेकिन जो असलियत में जो जिस तरीके से हटा दिया जाता है एक साइड से हटा दिया जाता है, ये भी हमारे साथ एक धोखा है, चाल है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ईमानदारी से हमारे उसमें जो है ना एक अच्छी वो बात आनी चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के साथ हैं, सबसे पहले इस देश के अगर सही सच्चे भक्त हैं तो वाल्मीकि कौम है, हमेशा वाल्मीकि ने इस देश की सरकारों को हमेशा अपना योगदान दिया है, हर तरीके से योगदान दिया वाल्मीकि समाज ने, हमारे कर्मा जी ने इसको इसलिए इकट्ठा किया यहाँ पर एक इतना बड़ा संगठन बना कर के भी जो है किसी तरीके से ये एक ऐसी पहल हो कि सारे लोग आवाज़ लगाएं एक इकट्ठे होकर कि भाई हाँ ये वाल्मीकि समाज का ये काम जो हमारे साथ उपेक्षिता हो रही है। जैसे कि आज मैंने तो देखा जैसे मीडिया में भी जी मीडिया वाले अगर कोई दूसरे की कॉन्फ्रेंस होती तो शायद पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा हम तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं कि जो आप लोग इस चीज़ से इस तरीके से हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। या हम तो सर आपका पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे, पूरा इंटरव्यू प्रॉपर दिखाएंगे आपका कोई का। हाँ, तो ये थोड़ा सा हमारा एक अपना दर्द है
हम ये कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां को इस तरीके के हालात से ना गुजरना पड़े, हमें वो दर्द है। हमारे लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारे लोगों को फैसिलिटी दी जाए, चिकित्सा की दी जाए, समझे नहीं, कैशलेस स्कीम लागू की जाए। अब बीमार हो जाता है, मैन्यूअल में गिर जाता है, मर जाता है, उसको 10 लाख भी कोर्ट से हम दिलवाते हैं उसका वकील करके, जिसके घर में राशन नहीं खाने के लिए, वो कहते हैं जी तो ठेकेदारी। अभी तक जो अभी तक 10 लोग मरे थे, 3 अब और मर गए हैं नोएडा में, 10 दिल्ली में मरे, उनको 10-10 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने दिया जी। वो भी जबरदस्ती, जब हमने कोर्ट कचेरियों के धक्के खाए, थोड़ा वो किया जी। एक रिक्शा मरने वाले के तो 1 करोड़ है, और एक जो गंदगी साफ कर रहा है उसका 10 हजार, और 10 लाख वो भी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर मुआवजा मिल रहा है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ढंग का मुआवजा मिलना चाहिए, उसके बच्चों के लिए फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको मकान मिलना चाहिए, उनको हर तरीके से, उसके घर में किसी जिम्मेवार आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये किसके माध्यम से हम कहें, किसको कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं। आखिर मीडिया उपेक्षा कर रही है, इंडिया जब इंडिया ही उपेक्षा कर रही है, सरकार इग्नोर, सरकार तो कहाँ करेगी, इंडिया ही हमारी उपेक्षा कर रही है। जब आप ये देखिए ना कि जब सरकार तो उपेक्षा कर ही रही है, अभी यहाँ देखा कितने मीडियाओं की यहाँ कुर्सियाँ बिछी हुई हैं, मीडिया को इज्जत से हम लोगों ने बुलवाया कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन आज कि मैंने देख के बड़ा दुख हुआ मुझे कि मीडिया जो है 2-3 के सिवाय कोई आए नहीं। आज PM होता, CM होता, कोई और होता, बड़ा अफसर होता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज है, ये पहले भी उपेक्षित है और इन्होंने भी ऐसे ही किया, मीडिया ने भी। तो ये मैं, हमारा कोई बड़ा दर्द है कि हम, इसलिए हम बोल नहीं पाए, हम चुपचाप उठ के जा रहे थे। वो तो आप लोगों ने थोड़ा सा हमारा एक हौसले अफजाई के लिए ये सरकार तक पहुंचाने की बात की है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस रिलेटेड जो आज? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे जो वाल्मीकि समाज का जो एक जागृत मंच बना के जो हम एक तरीके को मेला मना रहे हैं, इसमें सिर्फ एक मेला नहीं, ये हम एक बहुत बड़ा सरकार को एक उद्देश्य या एक मैसेज देना चाह रहे हैं समाज, सरकार को, कि हमारे समाज के साथ जो भी बुराइयां हैं, जो भी अत्याचार हो रहे हैं, पंजाब में जो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है हमारे समाज के लोगों को, जो एक बादल सरकार ने, अभी पता चला कि 485 करोड़ रुपया और वाल्मीकि भगवान की एक मूर्ति भी बनाया, तो उससे हमारे दिल्ली में जब हम ये मेला मना रहे हैं उसमें भी हमने बादल सरकार को बुलाया कि भाई हम उनको भी सम्मानित करेंगे। और जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में VP सिंह सरकार जब थी, हमारे दिल्ली में VP सिंह PM थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उस जब आरक्षण का जब हम मुद्दा चल रहा था, उसके बावजूद मेरे ख्याल अभी तक वाल्मीकि समाज के जितने भी SC कैटेगरी में वाल्मीकि समाज है, जाटो समाज है, अभी तक इतिहास उठवा के देख लिया जाए कि किसी को भी नौकरियां नहीं मिली हैं। SC जब VP सिंह सरकार से पहले कितनी नौकरियां समाज को मिल रही थी SC कैटेगरी में, उसके बाद में आज तक 2017 ख़त्म होने जा रहा है, 4 महीने रह गए हैं, उससे पहले कभी भी आप किसी से भी आप कन्फर्म करें, VP सिंह अब तो आरक्षण की समीक्षा करने की भी बात कही जा रही है कि मतलब जो लोग सही स्टेज पर पहुंच गए हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है आरक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए, जो लोग उभर गए हैं, जो लोग अच्छी कंडीशन में आ गए हैं, तो वो उसको लेकर के क्या? देखिए, जो हमारे समाज के आदर्श समाज के, पहली बात तो हमारा समाज जो 100% की आप गिनती कर रहे हैं, 10% ही, 5% की तुलना कीजिए जो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, 90% तो उसी कारागार पे है, उसी स्टेज पे है, क्योंकि उनको जो सफाई के पेशे से जुड़े हुए हैं 90% जो लोग हमारे, 90% उनके अलावा 10% मान लीजिए कि हमारे सक्षम लोग हो गए हैं, लेकिन 90% हमारे उसी पे है, जो कि उन लोगों की अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको अभी MCD में एक तरह से कच्चा पक्का किया जा रहा है। MCD की एक नौकरियाँ थी, उसमें एक कहते थे कि भाई हमें समाज के लिए, वाल्मीकि समाज को हमें एक नौकरी दे रहे हैं कि भाई ये सफाई का पेशा करते हैं, लेकिन इस पेशे के साथ साथ अदर कास्ट के लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं,
लेकिन उससे दुख का विषय नहीं है कि चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रोड पे तो काम करें आके, पता तो चले कि ठीक है वो सफाई के पैसे से जुड़े हैं, लेकिन कम से कम सीवर में घुस के तो देखें, सीवर में घुसें, रोड पे सफाई करें, पता चले कहाँ भी हम सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना कुछ कर रहे हैं। सभी समाज के लोग ये देख रहे हैं कि हम समाज की कितनी बड़ी दुर्दशा में, कितना बड़ा ये सौभाग्य है, दुर्भाग्य है हमारा कि हम हर आदमी को अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम कमिश्नरों से, एडिशनल कमिश्नरों से मीटिंगें लेते हैं कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं उनको टाइम से किया जाए, वो किया जाए। तो जिस तरीके से आपने सुना इन लोगों को, इन्होंने बताया कि मीडिया ने भी यहाँ पर उनके साथ जो समाज में जिस तरीके से भेदभाव है वो भी यहाँ पर देखने को मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर संख्या में पत्रकार मौजूद थे। 1 तारीख को ये एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर के मेमोरेंडम रखेंगे, सरकार के, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार को ये ज्ञापन सौंपेंगे, और इनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सुशील कुमार, नेशनल इंडिया न्यूज़।